एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी के हॉस्टल्स के बारे में कि दिल्ली में पीजी एडमिशन होने के बाद कौन कौन से हॉस्टल्स हैं स्पेशली बॉयज़ के लिए, और उसके बाद उसमें कितनी सीटें हैं और उनकी क्या कट ऑफ जाती है और किस तरीके से उनमें एडमिशन प्रोसेस है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो का टॉपिक क्या है, हॉस्टल्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लिस्ट ऑफ हॉस्टल्स, उनमें सीट कितनी और कैटेगरी का क्या फ़र्क पड़ता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हॉस्टल है पीजी मेंस, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, उसमें पीजी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और इनमें पीएचडी के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। पहले इनमें पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद पीजी स्टूडेंट्स को। सेकेंड नंबर पे हॉस्टल है इंटरनेशनल हॉस्टल फॉर बॉयज़, ये वाला जो हॉस्टल है इसमें स्पेशली ये 70% किसके लिए होता है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो सीटें रिजर्व है 70% वो क्या है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। इनमें से जो 30% है उनमें फिर वो कैटेगरी बेस पे डिफरेंस मतलब सीटें जो है डिवाइड की गई हैं। प्लस में इन ये एक हॉस्टल है जिसमें फॉरेन के जो स्टूडेंट हैं उनमें जो यूजी में एडमिशन लेते हैं उनको भी कुछ सीटें अवेलेबल करवाई जाती हैं, ठीक है। और अगला हॉस्टल हमारे पास वो है जुबली हॉस्टल, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो है, इसमें क्या पीजी स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, ये भी बॉयज़ के लिए है, ये जो है ये वाला भी बॉयज़ के लिए है। अगला हॉस्टल है ग्वेरोल, ये भी पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ग्वेरोल स्पेशली फॉर बॉयज़। नेक्स्ट इज मानसरोवर हॉस्टल, ये भी काफ़ी सही हॉस्टल है मानसरोवर हॉस्टल, ये भी क्या है पीजी के बॉयज़ के लिए। इसके बाद सबसे पहले तो हमें पता है कि हॉस्टल्स में जो भी सीटें हैं और जो भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे कब करेंगे, जब ड्यू ड्यू में एडमिशन हो जाए, और जैसे ही ड्यू के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हर हॉस्टल के फॉर्म निकलेंगे, तो हम उनके स्पेशली उनकी साइट पे जा जाके वो सारे फॉर्म फिल करने होंगे। और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिएंगे, जैसे फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है एक, तो इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, तुम्हारी मार्कशीट 10th 12th और भी कोई प्रूफ, इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि हॉस्टल कि जैसे फॉर्म निकले तुम उनके लिए अप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ पे सीट कितनी होती हैं पीजी के लिए, पीजी के लिए हर कोर्स के लिए इन हॉस्टल्स में 2 से 3 सीटें होती हैं, और यहाँ पे स्पेशली किसी कोर्स के लिए डिफाइन नहीं होता, जैसे कि मैथ्स के लिए नहीं होगा, मैथमेटिकल साइंस, इसी तरीके से सोशल साइंस और ये सब इनके लिए आर्ट्स वगैरह इन तरीके से, ठीक है। तो सीटें काफ़ी कम होती हैं और यहाँ पे इन हॉस्टल्स में कोई भी, जैसे कोई ओबीसी कैटेगरी में है तो उसका, या फिर कोई जनरल कैटेगरी में, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, वो एक ही कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इन हॉस्टल में टोटल सीटें कितनी होती हैं, 90 से 100 के बीच में इन हॉस्टल में सीटें होती हैं। इन हॉस्टल में जो सीटें मिलती है किसके बेसिस में मिलती है, मेरिट और एंट्रेंस बेसिस, और इनमें मिलने के चांसेस बेसिकली उन्हीं को होते हैं जिनके काफ़ी अच्छे एंट्रेंस में मार्क्स हैं या फिर मेरिट में जिनके 92-93% होती है, ठीक है। और इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई एम श्योर आई एम गोना गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट डी यू एंड इट्स रिलेटेड हॉस्टल एंड ऑल दोज स्टफ।